सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तीन कंपोनेंट हमें पढ़ने थे। कौन कौन से पढ़ने थे भाई? एक तो हमें पढ़ना था सेल बाउंड्री, ठीक भाई। सेल बाउंड्री में क्या पढ़ना था हमको? सेल बाउंड्री में पढ़ना था एक तो सेल वॉल और दूसरा पढ़ना था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल भी पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या था? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हमें क्या पढ़ना था? सेल ऑर्गेनेल, ठीक है भाई। सेल ऑर्गेनेल भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा कंपोनेंट है अपना कौन सा? न्यूक्लियस। आज की क्लास में इस न्यूक्लियस को कंप्लीट करते हैं और सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, ठीक। तो चलो शुरू करें फिर। न्यूक्लियस, बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कई बार। देखो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी, ठीक है भाई। कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने देखा? इसकी मुंह दिखाई की थी लीवेनहॉक ने। सबसे पहली बार इन्होंने ही न्यूक्लियस को देखा था। कहाँ देखा था? इन्होंने देखा था फिश आरबीसी में, मछली की आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी की बात हुई है तो एक बात और जान लो कि जो मैमिलियन आरबीसी होते हैं, जैसे कि हम लोग भी मैमल्स में आते हैं, हम लोगों के अंदर जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस कभी नहीं होता। न्यूक्लियस इज ऑलवेज एब्सेंट इन द मैमिलियन आरबीसी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर लीवेनहॉक ने आरबीसी में न्यूक्लियस को सबसे पहली बार देखा, लेकिन किसके आरबीसी में? मछली के आरबीसी में। जबकि न्यूक्लियस मैमिलियन आरबीसी में तो हमेशा एब्सेंट ही होता है, ठीक भाई। और देखो इस न्यूक्लियस की डिटेल्ड स्टडी की रॉबर्ट ब्राउन ने। कहां की? ऑर्चिड रूट सेल के अंदर, ठीक है भाई। इसीलिए जब भी न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट देना हो तो हम किसको देते हैं? रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है भाई। डिस्कवरी क्रेडिट जो है वो किसको जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन को। और कुछ बातें, जैसे कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, चाहे कोई सा भी यूकैरियोटिक सेल हो, सभी के पास न्यूक्लियस होता ही है। कम से कम एक न्यूक्लियस तो हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। केवल आरबीसी को छोड़ दिया जाए, वो भी किसकी? मैमल्स की आरबीसी। मैमल्स की आरबीसी में नहीं होता। वहीं अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर फ्लोएम सीव ट्यूब में आरबीसी नहीं होता, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो सभी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। एनिमल के अंदर आरबीसी में नहीं होता और प्लांट के अंदर फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर नहीं होता, ये आप याद रखना, ठीक भाई। और देखो अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। बनाओ, इसको मिटा देता हूँ इधर से। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चार बातें आपको रखनी है याद न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। चार ही चीज़ें उसके स्ट्रक्चर में होती हैं। कौन कौन सी भाई? पहले तो बनाओ न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर। ठीक, सर्कल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसके पास चार कंपोनेंट हैं, या कह सकते हैं उसके पास चार स्ट्रक्चर हैं। पहला उसकी बाउंड्री, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म, तीसरा उसका क्रोमेटिन फाइबर और चौथा उसका न्यूक्लियोलस, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री से बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। न्यूक्लियस के पास दो बाउंड्री होती हैं। ये मैं शायद आपको अब चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ कि एक सेल के अंदर केवल तीन ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसमें से एक तो आप अभी पढ़ रहे हो न्यूक्लियस, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास दो मेम्ब्रेन होती है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन यहीं से मिसअप पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, सिर्फ इनके पास दो मेम्ब्रेन है, राइबोसोम के पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। और इन चारों को छोड़कर जितने भी बचते हैं उन सबके पास एक ही मेम्ब्रेन है। फिर से सुनो, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इनके पास है दो मेम्ब्रेन, राइबोसोम के पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। अब बचा क्या, जितने भी सेल ऑर्गेनेल बच गए, गोल्जी बॉडी बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, आपका लाइसोसोम बच गया, जितने भी बच गए उन सबके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन है, दो। आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली को क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन, अच्छी बात है। अब दो मेम्ब्रेन है, आउटर भी है और इनर भी है, तो मतलब इसके बीच में जगह भी होगी, दोनों के बीच में भले ही कितनी भी कम हो लेकिन जगह तो होगी। और ये जो स्पेस होगा आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है भाई। कितना होता है, ये होता है 150 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10^-10 मीटर के, ये बताने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख लो भाई। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10^-10 मीटर, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर ये जो इसका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन छोटे छोटे से पोर बनाते हैं, इन पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर से सीधा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जुड़ा होता है। भाई जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ना, जब इसका डीएनए एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आता है, तो न्यूक्लियस से बाहर कैसे जाएगा, इसी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से वो बाहर निकलेगा और सीधे एंटर कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जाएगा सीधे राइबोसोम के पास, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। इस न्यूक्लियर के पोर के पास कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स नहीं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं एनुलस। इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, क्या एनुलस कहाँ पाया जाता है, एनुलस क्या होता है। एनुलस न्यूक्लियर पोर को प्रोटेक्ट करता है, ये एक तरह के गार्ड सेल्स हैं जो न्यूक्लियर पोर को प्रोटेक्शन का काम देते हैं। ये जो है वो एनुलस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है भाई। और अंदर आओ, अंदर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, इस न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ऐसे तीन ही साइटोप्लाज्म अपन ने पढ़े हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसे कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है, या फिर कैरियोलिम्फ भी हम इसे कह सकते हैं, इसको न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हो, न्यूक्लियर सैप। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये कैरियोलिम्फ या जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम याद रखना आप, स्ट्रॉस बर्जर, ठीक है भाई। और क्या बातें याद रखनी है, क्या होता है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। देखो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मेन पार्ट डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा फिर, इस न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ डीएनए होगा वहीं डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और आप सब जानते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे सारे एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। जैसे डीएनए के लिए एडेनिन चाहिए, डीएनए के लिए ग्वानिन चाहिए, थायमिन चाहिए, साइटोसिन चाहिए, इसके अलावा इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज़ होता है, वो भी यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं बहुत सारे, वे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह,
ये सारी चीज़ें इसी में पाई जाती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और देखो ये जो हो गया ना आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्या है भाई? इसे कहते हैं क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट या फिर क्रोमैटिन फाइबर। क्या होता है भाई ये क्रोमैटिन नेट? यही होती है सबसे मेन चीज़ इस न्यूक्लियस के अंदर। ये क्रोमैटिन नेट जो होता है ये डीएनए का बनता है, इसमें डीएनए होता है लगभग 31%, ठीक है। इस क्रोमैटिन नेट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है लगभग 36%। इसके अंदर आरएनए होता है, आरएनए होता है लगभग 2-3%। इसके अलावा इस क्रोमैटिन नेट के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं लगभग 28%, ठीक है भाई। इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है क्रोमैटिन नेट। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है डीएनए, इसी के पास होती है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यही क्रोमैटिन नेट आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है, इसी के अंदर होता है डीएनए। क्रोमैटिन नेट दो टाइप का होता है, अगर इसे हम कलर करें तो देखो क्रोमैटिन नेट इसके अंदर क्या है? डीएनए, मतलब ये एसिडिक नेचर का है। अब कोई चीज़ अगर एसिडिक है तो उसे कलर किससे करना पड़ेगा? बेसिक डाई से। डाई मतलब जैसे कि आप बालों के ऊपर डाई करते हो ना, तो क्यों करते हो? कलर देने के लिए। डाई का काम क्या होता है? कलर देना। तो जब इस क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम कलर करें डाई से, कौन सी डाई यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर? बेसिक डाई। बेसिक डाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि क्रोमैटिन नेट कैसा है? एसिडिक है, तो एसिडिक को बेसिक कलर करेगा और बेसिक को एसिडिक कलर करता है। तो क्रोमैटिन नेट एसिडिक है तो बेसिक डाई का यूज़ करेंगे इसे कलर देने के लिए। तो यहाँ पर कलर के आधार पर, इस स्टेनिंग के आधार पर दो प्रकार का क्रोमैटिन नेट होता है। एक होता है यूक्रोमैटिन, ठीक है, और दूसरा होता है हेटरोक्रोमैटिन। क्या फ़र्क है दोनों में? ये जो यूक्रोमैटिन होता है ना, इसके ऊपर कलर थोड़ा कम चढ़ता है, ये लाइटली स्टेन्ड होता है, इतना ज़्यादा कलर ये नहीं पकड़ता। और हेटरोक्रोमैटिन जो है वो डार्कली स्टेन्ड है, इसके ऊपर कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को याद रखना। ये जो यूक्रोमैटिन होता है ना, यही जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है, जो डीएनए खुद को एक्सप्रेस कर सकता है ना, वो इसी यूक्रोमैटिन में पाया जाता है। और ये जो है वो थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है, ठीक है। कुछ बातें और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी सिर्फ आप इतनी ही बातें याद रखो और इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि ये यूक्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है, चलो इसको भी देख लो भाई। ये पाया जाता है कहाँ पर? न्यूक्लियस के सेंटर में, और ये पाया जाता है न्यूक्लियस की पेरीफेरी में, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? क्रोमैटिन नेट की, जो है फोर्थ पार्ट। एक चीज़ और कि भाई क्रोमैटिन नेट ये शब्द किसने दिया था, इस पर भी क्वेश्चन आता है, और ये शब्द दिया था फ्लेमिंग ने। यहाँ पर साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन फाइबर शब्द दिया था, ठीक। अब देखो इसके अंदर पाए जाते एक ही बना लेते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियोलस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, एक इरेगुलर बॉडी होती है। ये न्यूक्लियोलस इस क्रोमैटिन नेट के साथ किसी स्पेसिफिक जगह पर जुड़ता है, और उस स्पेसिफिक जगह को कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम NOR, आपने सुना होगा कभी। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो डीएनए के साथ, इस क्रोमैटिन नेट के साथ जुड़ता है, और जिस जगह पर जुड़ता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं साइंटिस्ट के ऊपर, जिन पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। पहला कि इस न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया, और ये न्यूक्लियोलस शब्द किसने दिया? तो न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था फोंटाना ने, ठीक है, इन्होंने तो की इसकी क्या डिस्कवरी। दूसरा
कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया, तो वो दिया वैज्ञानिक वोमेन ने, इन्होंने दिया था क्या, न्यूक्लियोलस टर्म दिया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ न्यूक्लियोलस से पूछते हैं, ये जो न्यूक्लियोलस है ये प्रोफेज में तो रहता है एब्सेंट, आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, नहीं पढ़ा होगा तो इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना आप। प्रोफेज सेल डिवीजन में माइटोटिक स्टेज में सबसे पहली फेज होती है प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म होती है ना तो ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है। उस प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, और सबसे लास्ट स्टेज आती है फिर टीलोफेज, और इस टीलोफेज में ये न्यूक्लियोलस फिर से वापस रीअपियर हो जाता है। ये दो पॉइंट आप याद रखना। और लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस का, कि इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है, भाई हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है तो इसका भी कोई ना कोई काम होगा, ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं है। इसका काम होता है राइबोसोम फॉर्मेशन, ये है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। राइबोसोम जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं ना, 80S राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं, वो कौन बनाता है, राइबोसोम एक्चुअली में आते कहाँ से हैं, वो राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस से, या न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनेंगे, फिर वो राइबोसोम इस न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियो ग्लाइकोपोरिन फर्स्ट और सॉरी राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड, मैं वीडियो बना चुका हूँ आप देख लेना राइबोसोम के ऊपर। तो राइबोसोम फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका, न्यूक्लियोलस में, इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को, और ये न्यूक्लियोलस हो गया अपना फोर्थ पार्ट, ठीक है, सॉरी फोर्थ क्यों, ये थर्ड है और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये कंप्लीट हुआ अपना न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और इसी के साथ अपना सेल स्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोज़ में अपन जब आएंगे तो इस पर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है क्रोमोसोम, उसके बाद फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इन सब पर चर्चा करेंगे।